हेलो दोस्तों, मैं गुरु इलेक्ट्रॉनिक्स से। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों हमारे पास आज एक सैमसंग का CRT टीवी आया हुआ है दोस्तों, जो कि चालू ही नहीं हो रहा है। चलिए आइए, इसे खोल लिया है मैंने दोस्तों। चलिए इसे जो चला के देखते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, हमने इसको खोल लिया है और चलिए इसे एक बार इसके वायर वगैरह लगा के देख लेते हैं दोस्तों। इसमें लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, देखिए दोस्तों। हमने ये वायर लगा दिया और ये देखिए यहाँ पे इसमें कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं आई है। देखिए चलिए थोड़ी इसकी सप्लाई वगैरह चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, मीटर को AC बोल्ट पर रख दिया है दोस्तों। AC 230 वोल्ट आ रहे हैं। अब चलिए DC 600 पे कर देते हैं दोस्तों। ये कैपेसिटर है हमारा, इस पर भी 325 वोल्ट दोस्तों ठीक आ रहे हैं। अब चलिए इसकी आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट निकालता है या नहीं निकालता है दोस्तों इसकी सप्लाई में। तो दोस्तों आउटपुट के लिए इसको हम अर्थिंग में लगा देंगे एक तार को। यहाँ देखिए अर्थिंग है और चलिए ये यहाँ पे डायोड है 110 वाला, ये ST पे चेक कर लेते हैं दोस्तों डायरेक्ट। ये देखिए दोस्तों, इस पर दोस्तों इसके आउटपुट में ना कोई वोल्ट नहीं है दोस्तों, आउटपुट नहीं निकाल रहा बिल्कुल भी। देखिए 0 वोल्ट है आउटपुट में। ये देखिए यहाँ कोई वोल्टेज नहीं निकाला दोस्तों, आउटपुट में कहीं पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। चलिए दोस्तों इसके देखते हैं आउटपुट में वोल्टेज क्यों नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसकी वायर निकाल देनी है हमारी, और दोस्तों कैपेसिटर को दोस्तों डिस्चार्ज कर देना ताकि हमें करंट ना लगे। ये देखिए चलिए दोस्तों प्लेट को सीधी कर देते हैं। प्लेट को सीधा करके दोस्तों जो मैं आपको हर वीडियो में आपके समझाता हूँ वही करेंगे हम दोस्तों इसमें भी। और दोस्तों इसमें देखिए क्या है, ये तो है हमारा दोस्तों ये SMPS लगा हुआ है दोस्तों यहाँ हमारा, देखिएगा। और SMPS के बगल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, इस पर 160 वोल्ट 47 MFD 160 वोल्ट का है। तो दोस्तों ये ख़राब है क्योंकि ये फूला हुआ है, ये तो साफ दिख रहा है। और दोस्तों एक ये भी हल्का सा फूला हुआ है दूसरा। चलिए दोनों को निकाल के फिर दोस्तों चेक करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों ये वाला निकालेंगे हम 47 MFD 160 वोल्ट में जो है। ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल ख़राब है, इसकी पिन ही दोस्तों इसकी निकली हुई थी। चलिए दोस्तों जब तक हम इसको निकालते हैं, देखिए दोस्तों ये हमने दोनों कैपेसिटर निकाल लिए हैं। ये है 47 160 और दोस्तों ये है 100 MFD 160 वोल्ट। दोस्तों इसकी जगह हम देखिए, अब ये एक ये हमने ले लिया है 100 MFD 160 वोल्ट का, और ये देखिए 47 दोस्तों 160 की जगह 250 लगा देंगे दोस्तों। चलिए इन्हें लगा के देखते हैं। देखिए दोस्तों कैपेसिटर लगा दिए हैं दोस्तों ये। चलिए अब इसके प्लग लगा के दोस्तों चालू करके देखते हैं एक बार। देखिए दोस्तों इसके अंदर लाइट आ गई है और ये सेट चालू भी हो गया दोस्तों। आइए चलिए आगे इसे दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए दोस्तों हमारा टीवी दोस्तों चालू हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।